अब न्यूमेरिकल्स में या न्यूमेरिकल्स करने से पहले याद करना, दो टाइप के न्यूमेरिकल आएंगे, कारनॉट के या रेफ्रिजरेटर के। मेंस नीट में नहीं आएंगे, हट गए इस साल से, पुराने पेपर में मिलेंगे क्योंकि 2023 तक तो आए, 2024 से नहीं आएंगे। स्कूल लेवल आ सकते हैं। तो इसमें सोर्स है सिंक है। सोर्स का टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा होगा और किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, बाय T1। सिंक का कम होगा, किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, बाय T2। बड़ा टेम्परेचर T1, छोटा टेम्परेचर T2। वर्क डन का फॉर्मूला Q1 माइनस Q2। इंजन में Q1 हीट ली जाएगी, Q2 फेंकी जाएगी, Q1 ली जाएगी, Q2 फेंकी जाएगी, सही है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला कारनोट का पता है, वर्क डन बाय Q1 लिखवाया था, दूसरा और तीसरा फॉर्मूला, तीन फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। फिर रेफ्रिजरेटर में उल्टे एरोज हैं, Q2 हीट ली जाएगी सिंक में से, Q1 फेंकी जाएगी और वर्क डन किया जाएगा, और कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस का पहला, दूसरा और तीसरा फॉर्मूला, ठीक है यहाँ तक। तो पहला न्यूमेरिकल, फॉर्मूले में कुछ नहीं है इसमें, बस ये आइडेंटिफाई करना मेन है कि क्या गिवन है हमें। जैसे सोर्स टेम्परेचर ऑफ कारनोट इज गिवन, सोर्स का टेम्परेचर किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, T1, सिंक का T2, तो सोर्स का टेम्परेचर T1 पता है। इट टेक्स 500 कैलोरी ऑफ हीट फ्रॉम सोर्स, सोर्स से जो हीट निकलती है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बाय Q1, तो T1 Q1, एंड रिजेक्ट्स 400 कैलोरी टू सिंक, तो सिंक में फेंकी जाती है ड्यूरिंग ईच साइकिल। व्हाट इज टेम्परेचर ऑफ द सिंक, T2, ठीक। तो इसमें टेम्परेचर T1 पता है, Q1 की वैल्यू पता है, Q2 पता है, आपको कितनी हीट फेंकी जा रही है यानी कि Q2 निकालना है। तो आप ये फॉर्मूला यूज करें, 1 माइनस Q2 बाई Q1, 1 माइनस T2 बाई T1। तो यहाँ से सॉल्व करके आपको Q2 पता है, Q1 पता है, T2 और T1, तो यहाँ से सॉल्व करके T2 की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें, ठीक। नेक्स्ट है, कारनोट इंजन हैज सेम एफिशिएंसी व्हेन ऑपरेटेड ए पार्ट बिटवीन टेम्परेचर 100 एंड 500। बोलो T1 है 100 की T2 है, बड़ा टेम्परेचर T1 है, छोटा टेम्परेचर T2 है, तो 100 केल्विन क्या, T2, ये क्या हुआ T1, एंड T केल्विन एंड 900 केल्विन, T और 900 में से कौन बड़ा, 900 की T, ऐसे कैसे T, क्या आपका 200 केल्विन हो, छोटा भी हो सकता है, पता नहीं इसका मतलब। तो क्या निकालना है, कैलकुलेट टेम्परेचर ऑफ, इसका मतलब ये सिंक हुआ, तो इसका मतलब ये सोर्स हुआ, तो इसका मतलब T की वैल्यू 900 से तो कम आएगी, तो ये T1 हुआ और ये T2 हुआ। तो पहला केस है जब टेम्परेचर T1 बड़े वाला 500 है, छोटे वाला T2, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला 1 माइनस T2 बाई T1 आ गया। तो ए पार्ट में एफिशिएंसी आ गई, बी पार्ट में टेम्परेचर बड़े वाला 900 है, छोटे वाला T है, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला 0.8 ए पार्ट वाला ही यूज करना है क्योंकि एफिशिएंसी दोनों में एग्जैक्टली सेम है। 1 माइनस T2 का मतलब T निकालना है और T1 पता है, 800 आंसर आ गया। तो ए पार्ट से दोनों टेम्परेचर गिवन है तो एफिशिएंसी आएगी, बी पार्ट उसको यूज करके अपना आंसर निकाल लेगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक। नेक्स्ट, अ रिवर्सिबल इंजन, देखो जो कारनोट साइकिल है वो एक रिवर्सिबल इंजन है, ऑपरेट्स विद एफिशिएंसी 50%, एफिशिएंसी गिवन है 0.5। इफ ड्यूरिंग ईच साइकिल, एक साइक्लिक प्रोसेस है, इट रिजेक्ट्स 150 कैलोरी टू अ रिजर्वायर ऑफ हीट एट 30 डिग्री सेल्सियस, रिजेक्ट्स Q1 है कि Q2 है, Q1 है कि Q2 है, Q2 है, Q1 हीट ली जाती है और Q2 फेंकी जाती है, फेंकने को बोलते हैं रिजेक्ट्स, तो ये Q2 है, रिजर्वायर ऑफ हीट, तो ये टेम्परेचर किसका हुआ, सोर्स की सिंक, सिंक क्योंकि हीट किस में फेंकी जाती है, सिंक में। कई लोग कहते हैं सर रिजर्वायर वर्ड यूज किया हुआ है, रिजर्वायर वर्ड सोर्स और सिंक किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं, तो रिजर्वायर से ये नहीं पता लगता कि सोर्स है कि सिंक है, तो ये Q2 हो गया और ये T2 हो गया। क्या निकालना है, टेम्परेचर ऑफ रिजर्वायर, ये कौन सा है, कौन सा, सोर्स के सिंक, सिंक का तो दे रहा है, तो क्या हुआ फिर, सोर्स सिंक का दे रहा है तो सोर्स बना, तो सोर्स का टेम्परेचर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, T1 की T2, T1, तो T1 निकालना है, T2 दे रहा है, एफिशिएंसी दे रहा है, Q2 दे रहा है, T1 पूछ रहा है, Q2 दे रहा है, T2 दे रहा है, एफिशिएंसी दे रहा है,
एफिशिएंसी इज 1 माइनस टी टू बाई टी वन, टी टू दे रहे तो यहां से टी वन कैन बी कैलकुलेटेड। रिवर्सिबल इंजन बोलते हैं इसे, ये रेफ्रिजरेटर की तरह भी काम करता है ना, उल्टा साइकिल चल पड़ता है। ठीक, तो क्या ये पॉइंट क्लियर है? बी पार्ट है हाउ मच वर्क डज इट कैरी पर साइकिल। देखो आपको वर्क डन निकालना है, लंबा तरीका है, आप ऐसे कर लो, एफिशिएंसी इज वर्क डन डिवाइडेड बाय क्यू वन, ये हमने सीखा। एफिशिएंसी आपको 0.5 गिवन है, वर्क डन आपको निकालना है, अगर मैं क्यू वन दे दूं तो आंसर आ जाएगा। अब एफिशिएंसी का फॉर्मूला 1 माइनस क्यू टू डिवाइडेड बाय क्यू वन भी होता है, क्यू वन पता है, एफिशिएंसी पता है, सॉल्व करके क्यू वन की वैल्यू आएगी, वो यहां पुट करके वर्क डन की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, आंसर है। पॉइंट क्लियर है यहां तक कि वर्क डन कैसे आएगा? ठीक है यहां तक। नेक्स्ट, रिवर्सिबल इंजन कन्वर्ट्स, कार नॉट इज रिवर्सिबल इंजन, कन्वर्ट्स 1/6 ऑफ हीट इनपुट इनटू वर्क। तो क्या कह रहे हैं, हीट इनपुट क्या होती है? Q1 है ना, हीट इनपुट Q1 है और आउटपुट Q2 है, इसका 1/6 किस में कन्वर्ट हो रहा है? वर्क में। तो इसका मतलब वर्क बाय Q1 क्या है? 1/6, लेकिन वर्क अपॉन Q1 क्या होती है? एफिशिएंसी। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली आपको क्या दे रहा है? एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी कितनी है? 1/6। अब वो क्या कह रहे हैं, When temperature of the sink is reduced by 62 degree Celsius, sink को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? T1 की T2, तो सेकेंड केस में T2 क्या हो जाएगा? T2 माइनस 62, एफिशिएंसी बिकम्स डबल्ड, एफिशिएंसी 1/6 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 1/3। फाइंड टेम्परेचर ऑफ सोर्स, T1 निकालना है। दो केस बनाए, पहले केस में एफिशिएंसी 1/6 है, 1 माइनस T2 बाई T1, T2 T1 में रिलेशन आ गया। केस नंबर टू में यहां से देखें, एफिशिएंसी डबल हो गई, 1/6 का डबल कितना है? 1/3 हो गई, 1 माइनस T2 बाय T1 नहीं, T2 में T2 माइनस 62 डिवाइडेड बाय T1। तो इसे और इससे साइमल्टेनियसली सॉल्व करके T2 T1 निकाल लें। मेथड समझ में आ रहा है क्या करना है इसमें? कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो पहले केस T1 T2 में, दूसरा केस T2 माइनस 62 और T1 में, एफिशिएंसी गिवन है आंसर। नेक्स्ट रेफ्रिजरेटर करें एक बार ये क्वेश्चन। आज हमने SHM का नया चैप्टर स्टार्ट करना है, इसके बाद अभी बस रेफ्रिजरेटर ए वर्क्स बिटवीन -10 एंड 27, छोटा टेम्परेचर T2, बड़ा टेम्परेचर T1, तो T2 पता है, T1 पता है, छोटे वाला T2, बड़े वाला T1। दूसरा रेफ्रिजरेटर छोटा और बड़ा टेम्परेचर गिवन है, तो छोटे वाला T2, बड़े वाला T1। कंपेयर करो कौन सा बढ़िया रेफ्रिजरेटर है, तो कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस निकाल दो, दोनों का फॉर्मूला आपको पता है, T2 अपॉन T1 माइनस T2 ये रहा। तो पहले बीटा ए निकालो, बीटा बी निकालो, जिसका बीटा बड़ा होगा वो एक अच्छा रेफ्रिजरेटर है आंसर। कैसे कंपैरिजन करना समझ में आ रहा है?
बस छोटे वाला टेम्परेचर T2, बड़े वाला T1, इससे आसान तो कोई तरीका है ही नहीं करने का। नेक्स्ट, तो रेफ्रिजरेटर जिसका बीटा गिवन है 5, एक्सट्रैक्ट्स हीट फ्रॉम कूलिंग कंपार्टमेंट एट अ रेट ऑफ 250 जूल पर साइकिल। तो बोलो ये Q1 है कि Q2? Q2, कूलिंग कंपार्टमेंट क्या होता है? फ्रिज के अंदर, फ्रिज के अंदर के पोर्शन को क्या बोलते हैं? सिंक। बाहर को क्या बोलते हैं? रूम को क्या बोलते हैं? सोर्स। तो कूलिंग कंपार्टमेंट में से हीट को लिया जाके बाहर फेंका जाता है, तो ये Q2 है। हाउ मच हीट पर साइकिल इज डिस्चार्ज टू द रूम? रूम को कितनी हीट फेंकी जाती है? Q1। तो Q1 फेंकी जाती है रूम में और Q2 निकाल ली जाती है। तो Q1 निकालना है इसमें, भाई आसान है, बीटा पता है, Q2 पता है, Q1 कैन बी कैलकुलेटेड। तो कह रहे हैं कि ऐसा करने में ये हीट रिजेक्टेड है, कंप्रेसर को वर्क डन करना पड़ता है, तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा? Q1 माइनस Q2, माइनस कर लेना, एक साइकिल में इतना वर्क डन कंप्रेसर को करना पड़ता है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? और इसी के बेस पे एक ये क्वेश्चन करते हैं पहले रेफ्रिजरेटर का, ये रहा। दो क्वेश्चंस करेंगे, ये चैप्टर को क्लोज करेंगे, एनसीईआरटी लेवल इतना मोर देन सफिशिएंट है। तो क्या क्वेश्चन है? रेफ्रिजरेटर इज ड्रिवन बाय 1000 वॉट इलेक्ट्रिक मोटर। तो एक फ्रिज में क्या लगी हुई है? मोटर 1000 वॉट की, हैविंग एफिशिएंसी 60%। तो ये किसकी एफिशिएंसी है? रेफ्रिजरेटर की, वो तो होती नहीं है, किसकी? मोटर की। तो मोटर इलेक्ट्रिकल की एफिशिएंसी 60% है, मतलब कि प्रिंटेड है उसके ऊपर 1000 वॉट कि हमसे बिजली कितनी लेगी? 1000 वॉट। पर काम कितना देगी? हमारे काम की पावर कितनी है? सिर्फ 600 वॉट। 60% ऑफ 1000 क्या होता है? 600। तो 600 वॉट काम की पावर है। अब वो कह रहे हैं रेफ्रिजरेटर एक रिवर्सिबल इंजन है, ऑपरेटिंग बिटवीन छोटा टेम्परेचर T2, बड़ा टेम्परेचर T1। कैलकुलेट टाइम रिक्वायर्ड बाय इट ताकि 32.5 केजी ऑफ वाटर को फ्रीज कर सके, जमाना है। तो अब इसमें पावर की इफेक्टिव पावर कितनी है? 600। हम उसको पानी जमाने के लिए 600 वॉट यूज करेंगे। मान लो ऐसा करने में टी टाइम लगता है पानी जमने में, तो हमने एनर्जी कितनी दी उसे जमाने के लिए? 600 इंटू टी, पावर इंटू टाइम क्या होता है? एनर्जी। तो ये एनर्जी हमसे पानी ने ली ताकि वो आइस में कन्वर्ट हो जाए। अब आइस बनाने के लिए आइस जो है कहाँ पर पड़ी हुई है? सिंक में। Q2 हीट निकालनी पड़ती है, आइस जमाने के लिए Q2 की जगह क्या पुट करेंगे? ML, क्योंकि पानी जमाने के लिए हीट रिक्वायर्ड कितनी है? Q = ML। तो Q2 आ गया, यहाँ से Q2 की वैल्यू आ गई। आपको अगर Q2 पता लग गया
तो यहाँ से Q1 भी आ जाएगा, क्योंकि T1 बाई T2 यूनिवर्सल रिजल्ट है, Q1 बाई Q2 के इक्वल है, तो आपको Q1 पता है, T1 T2 पता है, यहाँ से Q1 आ गया। अगर Q1 आ गया, Q2 आ गया, तो वर्क डन बाई कंप्रेसर कितना हुआ, Q1 माइनस Q2, लेकिन ये वर्क डन इलेक्ट्रिकल मोटर ने ऑलरेडी किया हुआ है, कैसे, 600 × T, यहाँ से टाइम की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि एक बार वर्क डन बाई कंप्रेसर पावर की फॉर्म में निकाल दिया, और एक बार Q1 माइनस Q2 की फॉर्म में निकाल दिया, और दोनों को इक्वेट करके टाइम की वैल्यू आ गई। ठीक है यहां तक? और लास्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर ये क्वेश्चन गिवन है, लंबा क्वेश्चन है, मेंस में बहुत बार आता था ये, अभी तो आएगा नहीं, लेकिन मुझे पता नहीं NCERT में आएगा नहीं आएगा। आपको सिंपल लैंग्वेज समझा देता हूं, दो इंजन सीरीज में है, वो कह रहा है दो इंजन सीरीज में है, ए एंड बी। सीरीज का मतलब एक ने, एक ऑपरेट कर रहा है 800 और टी केल्विन पे, 800 सोर्स का टेम्परेचर दे दिया और टी सिंक का नहीं पता। फिर बी जो इंजन है वो इसको सोर्स मानते हुए नई सिंक में फेंक रहा है एट 300 केल्विन। आपको इस क्वेश्चन में टी निकालना है, प्रोवाइडेड दो बार टी निकालना है, पहला जब आउटपुट ऑफ टू इंजन सेम है, और दूसरा जब एफिशिएंसी ऑफ टू इंजन सेम है। ठीक, लेकिन एक बात बताओ कि ये टी निकालना है, इसने हीट कितनी ली यहां से Q1 और कितनी फेंकी Q2, तो इसने कितनी हीट ली Q2 और कितनी बाहर फेंकी Q2 डैश, Q2 डैश। तो आप इसमें एफिशिएंसी का फॉर्मूला सबको पता है, 1 माइनस Q1 बाई Q2, 1 माइनस T1 बाई T2, इक्वेट करेंगे तो Q1 बाई Q2 इज T1 बाई T2। आप सीधा लगाएं, आप ऐसे लगाएं, फर्स्ट इंजन के लिए 800 डिवाइडेड बाई T इज इक्वल टू Q1 डिवाइडेड बाई Q2, फर्स्ट 800 बाई T इज Q1 बाई Q2। बी इंजन के लिए T डिवाइडेड बाई 300 इज इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाई Q2 डैश, सेकेंड केस। तो रेशियो संभाल के रख लेंगे, तो टेम्परेचर T1 बाई T2 इज Q1 बाई Q2, T1 बाई T2 इज Q1 बाई Q2। तो इन रेशियो से ये रेशियोज आ गई Q की इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। तो पहला केस है, इसको संभाल के रखते हैं, व्हेन आउटपुट ऑफ बोथ इंजन आर सेम। आउटपुट का मतलब क्या होता है, इंजन का वर्क डन सेम। तो इसका वर्क डन क्या होगा, Q1 माइनस Q2 W होता है, और इसका आउटपुट वर्क डन क्या होगा, Q2 माइनस Q2 डैश। तो ए पार्ट में हमने क्या किया, आउटपुट को सेम कर दिया, दोनों साइड्स को Q2 से डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां से क्या बचेगा, Q1 बाई Q2 माइनस 1, 1 माइनस Q2 डैश बाई Q2। ये लो, Q1 बाई Q2 की रेशियो ये रही, यहां पे पुट कर देते हैं 800 बाई T माइनस 1, और Q2 डैश बाई Q2 की रेशियो आएगी 300 डिवाइडेड बाई T। सॉल्व करके T कैन बी कैलकुलेटेड आंसर। तो पहला आंसर कैसे आएगा समझ में आ रहा है, तो पहले आउटपुट को सेम किया, आंसर आ गया। बी पार्ट में ये कहा एफिशिएंसी सेम कर दो, एफिशिएंसी का फॉर्मूला 1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1, और दूसरे इंजन की एफिशिएंसी 1 माइनस Q2 डैश डिवाइडेड बाय Q2। इन्हें इक्वेट कर देते हैं, तो इक्वेट करके ये इसके इक्वल आएगा, तो Q2 बाय Q1 इज Q2 डैश बाय Q2। Q2 बाय Q1 की रेशियो हमारे पास है ये रही, और Q2 डैश बाई Q2 की रेशियो भी है ये रही, इक्वेट करके T कैन बी कैलकुलेटेड। थोड़ी कैलकुलेशन में शायद गलत है असाइनमेंट में, पर आप करना कैसे समझ में आ रहा है मेथड, कोई डाउट इसमें?